हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि GSTR 1 में अप्रैल 2021 से बहुत बड़ा चेंज आया है और उस GSTR 1 से जो संबंधित चेंज आया है उसे हमें समझना है, क्योंकि अब जो रिटर्न हमें अप्रैल से फाइल करने हैं GSTR 1 से संबंधित, उसमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको मालूम भी है कि HSN कोड मैंडेटरी कर दिया गया है और रेट ऑफ टैक्स भी मैंडेटरी कर दिया गया है। उससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है कि HSN कोड कितने डिजिट का, कितने टर्नओवर वाले लोगों को ज़रूरत है और वो HSN कोड आपको कहां से मिलेंगे, कैसे आप वो HSN कोड देख पाएंगे, उससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में लिंक कर दूंगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो संबंधित है कि इसका जो वर्जन है वो वर्जन भी चेंज कर दिया गया है, तो देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं, फ्रॉम 27th अप्रैल ऑनवर्ड्स GSTR 1.2.1 वर्जन विल गिव एरर इफ HSN सेक्शन इज अवेलेबल इन पेलोड एज HSN टेबल विल बी चेंज्ड इन प्रोडक्शन, सो प्लीज मेक श्योर टू इंटीग्रेट HSN चेंजेस बाई 26th अप्रैल एंड माइग्रेट टू वर्जन 2.2 चेंजेस आर अवेलेबल इन सैंड बॉक्स फॉर इंटीग्रेशन। तो अभी तक जो वर्जन था 2.1 वो अब चेंज होकर के हो गया वर्जन 2.2। अब देखते हैं, प्लीज रेफर बिलो डिटेल्स ऑफ चेंजेस डन इन GSTR 1 वर्जन 2.2 चेंजेस HSN सेक्शन। अब ये चेंज कहां किया गया है, HSN सेक्शन में चेंज किया गया है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी भी हैं। इफ ए GSTIN ऑटो इज मोर देन 5 crore देन HSN/SC शुड बी ऑफ मिनिमम 6 digit, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 crore रुपए से अधिक है उन्हें 6 digit का HSN कोड डालना है, और जिनका टर्नओवर इफ ए GSTIN ऑटो इज लेस देन 5 crore HSN/SC शुड बी ऑफ मिनिमम 4 digit, यानी जिनका 5 crore से कम है उनके लिए 4 digit का HSN कोड डालना है। इफ रिटर्न पीरियड इज बिफोर अप्रैल 2021, तो ये था कि अगर हमारा रिटर्न 1 अप्रैल 2021 से जो फाइल करना है उसके लिए, लेकिन अगर हमारा रिटर्न इससे पहले का है तब क्या पोजीशन है। प्लीज रेफर बिलो डिटेल्स ऑफ चेंजेस डन इन GSTR 1 वर्जन 2.2 चेंजेज HSN सेक्शन। तो इसमें मैंडेटरी क्या है, मैंडेटरी रिक्वेस्ट पैरामीटर्स कॉम्बिनेशन इज, तो इसको हम देखते हैं। पहले क्या था, HSN/SC UQC क्वांटिटी वैल्यू नंबर टैक्सेबल वैल्यू, यहां पर हम HSN की जगह पर डिस्क्रिप्शन को ले सकते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर HSN की जगह जो और लगा हुआ और के बाद ये दिया, यहां पे HSN की जगह डिस्क्रिप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन यूनिक क्वांटिटी यूनिक क्वांटिटी कोड क्वांटिटी वैल्यू नंबर और टैक्सेबल वैल्यू, इसके बाद ये इसका यूनिक कॉम्बिनेशन था, वो था HSN/SC डिस्क्रिप्शन और यूनिक क्वांटिटी कोड। अब ये था हमारा मार्च 2021 तक, यानी अप्रैल 2021 से पहले का। अब अप्रैल 2021 से जो स्टार्ट होगा उसमें क्या आने वाला है, मैंडेटरी रिक्वेस्ट पैरामीटर कॉम्बिनेशन इज, यहां पर HSN मैंडेटरी हो गया, यानी कि आपका जो डिस्क्रिप्शन था वो नहीं रहा। इसके बाद SC UQC यानी यूनिक कोड जो था, क्वांटिटी एक चीज यहां पर बढ़ गई, RT यानी रेट ऑफ टैक्स। अब यहां पर हमें ध्यान रख के चलना है कि यहां पर मैंडेटरी उन्होंने कर दिया HSN कोड और रेट ऑफ टैक्स, बाकी नंबर और टैक्सेबल वैल्यू सेम। बी में इन्होंने दिया है HSN/SC यानी UQC और RT कॉम्बिनेशन इज यूनिक की, इफ प्रेजेंट डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन
विल ट्रीट एज डुप्लीकेट रिकॉर्ड। अब देखिए यहां पर भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका ये जो यूनिक की कॉम्बिनेशन है ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी सेम दोबारा आप फीड नहीं कर सकते हैं। अगर सेम रहेगा आपका HSN, आपका यूनिक क्वांटिटी कोड और आपका रेट ऑफ टैक्स अगर सेम है तो फिर ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड माना जाएगा। तो आपको उसको डुप्लीकेट नहीं करना है, उसमें वेरिएशन होना जरूरी है। वैल्यू पैरामीटर्स नॉट रिक्वायर्ड इफ प्रेजेंट इन रिक्वेस्ट देन पे लोड शुड बी जीरो। अगर वहां पर आप कोई वैल्यू नहीं भरते हैं तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली जीरो ले लेगा। इसके बाद हम देखते हैं, प्लीज नोट दैट आफ्टर 26th अप्रैल अप्रैल रिटर्न पीरियड ऑनवर्ड्स HSN लेंथ एज वेल वैलिडिटी ऑफ कोड विल बी वैलिडेट इन केस कोड इज नॉट वैलिड और लेंथ इज नॉट एज पर ऑटो देन सेव रिक्वेस्ट विल बी एरर्ड आउट। अब यहां पर देखिए ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारा एनुअल टर्नओवर, जो टर्नओवर की बात है कि 5 करोड़ तक वालों के लिए 4 डिजिट का है और 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 6 डिजिट का कोड है। अब जब आप GSTR 1 फाइल कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक का है तो आपका 4 डिजिट का कोड नहीं चलेगा। अगर आप अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर एरर आएगा। ऑल्सो रेट विल बी मैंडेटरी, उसी के साथ साथ रेट भी मैंडेटरी है। इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन सेव रिक्वेस्ट फेल्योर, प्लीज मेक श्योर टू मेक दिस कोड चेंजेस बिफोर 26th अप्रैल, न्यू वर्जन ऑफ API इज ऑलरेडी अवेलेबल सेंड बॉक्स फॉर इंटरनेट। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने HSN कोड नहीं डाला या HSN कोड टर्नओवर के हिसाब से नहीं डाला या रेट ऑफ टैक्स नहीं डाला तो वहां पर एरर बताएगा। इसके बाद देखते हैं, एज रिपोर्टिंग ऑफ HSN हैज बिकम मैंडेटरी इफ यू हैव एनी डेटा इन B2B, B2BA, CDN, CDNA, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट विदाउट नॉट पेमेंट। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप GSTR 1 अपलोड करेंगे तो HSN मैंडेटरी है कहां कहां पर। अगर आप B2B सप्लाई करते हैं, B2B सप्लाई में अमेंडमेंट है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, एक्सपोर्ट है, तो वहां पर आपको HSN कोड मैंडेटरी रूप से देना पड़ेगा। करेंटली ऑन GST पोर्टल ऑन सबमिशन दिस विल बी चेक्ड एंड वार्निंग विल बी शोन इफ HSN डेटा इज मिसिंग इन टेबल 12। अब यहां पर टेबल 12 में अगर हमने HSN वाइज डेटा नहीं दिया है तो वो वार्निंग देगा। इन सब्सिक्वेंट मंथ सबमिशन कैन बी ब्लॉक्ड, और आगे चल करके ये इसको ब्लॉक भी कर सकता है। बट इन API एज देयर इज नो प्रोविजन टू रिटर्न वार्निंग ए न्यू API वैलिडेट HSN समरी। अब यहाँ पर एक नया बटन भी आएगा जिस जो होगा वैलिडेट HSN समरी का, यानी अब जो है आपकी HSN समरी भी वैलिडेट की जाएगी। Has been introduced, this can be called before submit API to get warning similar to portal. यानी submit button के पहले एक validate HSN summary का भी button होगा जहां से आपको summary को validate करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप submit करेंगे। API to get warning similar to portal, calling this API is not mandatory but strongly advisable. This validation will not be applicable for returns earlier than April 2021. Return period validate API will check below things. अब देखिए यहाँ पर जो हमें अप्रैल से पहले के रिटर्न फाइल करने हैं वहाँ के लिए कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, और जो हमें अप्रैल 2021 से रिटर्न फाइल करने हैं उसके लिए ये मैंडेटरी है। और ये किस तरह से चेक करेगा ये भी देख। केस फर्स्ट है, इफ ऑटो अप टू 5 करोड़ एंड नो रिकॉर्ड्स फाउंड इन टेबल 12। अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और टेबल 12 में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, यानी वहां पर हम कोई रिकॉर्ड मेंशन नहीं करते हैं, देन एरर विल बी रिटर्न। इन सच केस टैक्स पेयर शुड एड रिकॉर्ड्स इन टेबल 12 फॉर करस्पॉन्डिंग टू डिटेल्स सेव्ड इन गिव टेबल्स
तो यहाँ पर बी टू बी एक्सपोर्ट, बी टू बी ए, सी डी एन आर, सी डी एन आर ए और एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर इन सब टेबल्स में अगर आप टेबल नंबर 12 में जा कर के इन सभी में एचएसएन कोड नहीं फिल करते हैं तो वो उसको रिटर्न कर देगा, एरर दिखाएगा। केस नंबर 2 में, जो केस नंबर 1 में है वो टर्नओवर 5 करोड़ तक वालों के लिए है, और केस नंबर 2 में जब हम बात करते हैं तो ये है इफ़ ऑटो मोर देन 5 करोड़ एंड नो रिकॉर्ड फाउंड इन टेबल 12। अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है और टेबल 12 में कोई रिकॉर्ड नहीं पाया जाता, देन टेबल 12 देन एरर विल बी रिटर्न इन सच केसेस टैक्स पेयर शुड एड रिकॉर्ड्स इन टेबल 12 करस्पॉन्डिंग टू डिटेल सेव फॉर बिलो सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर सारे सेक्शन ले लिए गए क्योंकि 5 करोड़ तक वालों के लिए बी टू सी वगैरह में क्या है, छूट है, वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है उनके लिए सभी सेक्शन में एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है। तो ये इन्होंने इसमें बताया कि किस तरीके से केस 1 में और केस 2 में एचएसएन कोड को वो चेक करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखते हुए ही GSTR1 फाइल करना है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी से हम अपने रिकॉर्ड को इसी के अकॉर्डिंग तैयार करें, जिससे हम जब GSTR1 फाइल करने जाएं तो हमें इस तरह की किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।